नगर निगम भरतपुर की वार्षिक बजट बैठक मेयर अभिजीत कुमार जाटव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप मेयर गिरीश चौधरी, नगर निगम आयुक्त कमलराम मीना सहित नगर निगम के पार्षद और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की सरकार ने भरतपुर के विकास के लिए वर्ष 2022-23 का अनुमानित वार्षिक बजट 414 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। हालांकि मेयर अभिजीत कुमार ने पार्षदों की राय लेने के लिए बजट बैठक बुलाई थी। इस बजट बैठक में मेयर अभिजीत कुमार ने बजट में पार्षदों को लुभाने का प्रयास भी किया है। इस बजट में सभी पार्षदों को लैपटॉप देने और पार्षद निधि कोष की घोषणा भी की गई है। का 2022-23 का बजट या पेश हुआ बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। ये जो बजट है वो दूसरों से एक एक हमने विकास की परिकल्पना कर रखी है कि यहाँ इंटीग्रेटेड पैटर्न पर बजट विकास हो भरतपुर शहर का, जिसके तहत थोड़े बड़े बड़े पैकेजेस लगा के, क्योंकि जो बजट का मूल जो राशि है हमारे पिछले बजट की, वो राशि भी महापौर महोदय खर्च नहीं कर पाए और पार्षद भाइयों से कहते रहे, आमजन से कहते रहे कि बजट नहीं है, जबकि 96 करोड़ रुपए का बजट शेष था। इससे मंजा साफ है, मेयर साहब की नियत कार्य के प्रति ठीक नहीं है, शहर जन की आमजन के लिए ठीक नहीं है और रीट में चीट का विषय को भी लेकर भी हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन बात रखी है सदन में। क्यों कांग्रेस सरकार इस रीट में चीट की CBI जांच हो और शहर में जो आय के सोर्स हैं उनको बढ़ाए जाने की मांग की।